आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज से बहुत ही मुनफरिद और अलग अंदाज से क्रिस्पी फ्राइड बैटर बनाएंगे, जिसमें आप पोटैटोज़ को फ्राई करने के अलावा हर किस्म के नगर्स को, कटलेट्स को भी फ्राई कर सकते हैं और इससे बहुत मज़े की कोटिंग बनती है। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 आलू दरमियाने साइज़ के। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे बेसन 1/4 कप, मैदा 1/4 कप, KNN's की चिकन स्टॉक ये हम लेंगे 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा हम लेंगे 2 चुटकी, इस तरह के स्पून यूज़ किया है। इसके अलावा हम पानी लेंगे बैटर बनाने के लिए। इसके अलावा हमें नमक हम लेंगे 1 टेबलस्पून, आलूओं को काटने के बाद हम पानी में सोक करेंगे तो उसके लिए हमने नमक लिया 1 टेबलस्पून, और बैटर के लिए थोड़ा सा हमने लाल मिर्च लिया ये हम थोड़ी सी डालेंगे। तो ये इन सब अज़ा से हम बनाएंगे मज़ेदार क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी फ्राइड बैटर के साथ। बाउल में हम 1/4 कप बेसन डालेंगे, 1/4 कप मैदा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मसली भी चिकन क्यूब डालेंगे थोड़ा सा, ये भी 1/4 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा मीठा सोडा हमने 2 चुटकी डालना, 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। इसमें आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पानी डालते जाएंगे, हमने पानी इतना डालना है कि अच्छे से स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारा बन जाए, और बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो अब हम इसको फाइनल के मिक्स करते चलेंगे। ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। ये रेडी है, अब हम इसको 1 आवर के लिए कवर करेंगे और इसको चूल्हे के पास एक गर्म जगह पर जो है हमें रख देना है। बाउल में ठंडा पानी डालेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, दो तरीकों से फ्रेंच फ्राइज के लिए आलूओं की कटिंग करेंगे, एक तो आम घरेलू नाइफ से और दूसरी चॉपिंग नाइफ से। दो तरीके पानी में डालेंगे, इस तरह से करने से आलू काले नहीं पड़ते। छन्नी में निकालेंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे। तो बैटर को आलूओं में डालेंगे और हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इन आलूओं को फ्राई कर लेंगे। चिकना मिक्स हो गया, हम उनको फ्राई करेंगे और सारे एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में हम जो है वो फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप एकदम बहुत सारे डाल देंगे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखेंगे।
गरम ऑयल में चिप्स को फ्राई करते जाएंगे अंटिल क्रिस्पी एंड गोल्ड। ये देखने में लग रही है हमने तो अपनी बहुत टेस्टी है यम्मी, और हमने देखा कि किस तरह से जब हमने चिक्की फ्राइड बैटर बनाया उसके बाद हमने जो है उसको डिप किया और फ्राई कर लिया। करना सिर्फ आपको ये है कि बैटर को बना के थोड़ा सा अपने मिक्स करना है आहार के लिए, और उसके बाद जो है अपनी मज़े की जो है क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज आप एंजॉय। सबसे पहले आपने 4 टेबल स्पून मायोनीज लेनी है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून केचप डाल देनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा ओरिगैनो, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमारी ये मायोचप। फ्राइज विद फ्रेंच फ्राइज मायोचप सॉस रेडी है। ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर एक बार ट्राई करेंगे तो आप हर जगह के फ्रेंच फ्राइज को भूल जाएंगे, क्योंकि बनाने में बहुत आसान है, क्विक है, और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यमी एंड यूनिक रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।